ਆਨੰਦ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਲ ਕੱਢੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ आप ही मिठू को रोटी दे क्या मिठू रोटी दे मिठू को रोटी दे गाइस आज अम्मी ने मुतंजन बिरयानी बनाई है देखें कितनी मज़े की लग रही है और सो एक्साइटेड और बस जल्दी से ये बन गई है मैं इसको अब देखती हूँ खोल के कैसे सो अभी मैं बनाने लगी हूँ फेस पैक फेस मास्क बनाने लगी हूँ और उसके लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे बनाना ठीक है अब इसको पील करते हैं और इसका फिर मैश करेंगे अच्छे से हमने मैश करना है ठीक है और इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं आप लोगों को इसके बनाने के बाद बताऊंगी कि इसके क्या क्या फ़वाद हैं ठीक है इसको अच्छे से मैंने मैश करना है तो अब ये मैश हो चुका है अब इसमें मैं आपको बताती चलूँ थोड़ा थोड़ा इसमें दही ऐड करूंगी अब मेरे ख्याल से 1 टेबल स्पून काफ़ी है 1.5 आई थिंक या 1.2 चलिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया अब इसमें थोड़ा सा ग्राम फ्लोर भी ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंगली ठीक है ये हाँ ये इसमें मैंने ऐड कर दिया अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ठीक है इसमें साथ साथ थोड़ा सा ऐड करना है हमने टर्मरिक पाउडर ठीक है इसकी जो ये देखें अभी मैंने ठीक किया ये जो है ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है और ये इतना मैंने इसमें ऐड किया ठीक है और ये बहुत ही अच्छा है किसके लिए फेस ग्लो के लिए इंस्टेंट ग्लो के लिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से करना है हमें इसको फेस पे लगाने से फौरन आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा और ये नेचुरल हैं सारी चीज़ें ये देखिए ऐसे अब इसमें थोड़ा सा मेरे
ख्याल से हमें थोड़ा सा और इसमें टर्मेरिक पाउडर डालना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा मैंने इसमें और ऐड किया और ये इस तरह का हो गया। अब इसमें मैंने ऐड करना है थोड़ा सा हनी। हनी बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऐड करना है, ज़्यादा मिकदार में नहीं, बस कम मिकदार में। इसको फेस पे अप्लाई करना है और जब तक ये खुश्क नहीं होगा तब तक इसको रखना है। तो इसमें थोड़ा सा हनी, हनी हमने नेचुरल इसमें ऐड करना है। कोशिश कीजिए अच्छी क्वालिटी का हो। और ये देखिए मैं इतना सा इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। ये जो स्पॉट्स होते हैं, डेड स्किन होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है हनी। और अब इसको मिक्स करना है हमने अच्छे से। मेरे ख्याल से ये सारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, बस हनी मिक्स करना है। तो लीजिए ये हमारा बन गया है फेस मास्क। इसको अप्लाई करना है फेस पे एंड इसको खुश करने तक रखना है। बस फिर इसको स्क्रब करते हुए हमने उतारना है और फेस वॉश करना है और बहुत जल्द ग्लो आ जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला फेस मास्क जो है इंस्टेंट ग्लो वाला कैसा लगा। और फर्दर टिप्स के लिए अगर आप मोर टिप्स लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लेकर आऊँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।